देख रहे हैं एक न्यूज़ 24, मैं हूं वरुण। एससी एसटी के कुछ वर्गों ने जीताराम मांझी का विरोध किया है और विरोध में इन्होंने जीताराम मांझी का गांधी मैदान के कारगिल चौक पर पुतला दहन किया। आप वीडियो में देखिए, इन लोगों ने जीताराम मांझी का पुतला दहन किया और क्या कुछ कहा। आरएसएस का दलाली बंद करो। आज हम लोग आरक्षण विरोधी, जिस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आया था कि एससी एसटी में वर्गीकरण एवं आरक्षण विरोधी फैसला के टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसमें जीतन राम मांझी ने समर्थन किया है कि वर्गीकरण होना चाहिए, तो ऐसे गद्दार एससी एसटी के जो नेता हैं उनको हम लोग आज लोग विरोध प्रकट करने जीतन राम मांझी जी का आए हुए हैं। जीतन राम मांझी गया सीट से, अपने सुरक्षित सीट से लड़कर और मलाई खा रहे हैं और कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं और अपने बेटा को भी बिहार सरकार में मंत्री बनाए हुए हैं, अपने समधीन को भी बनाए हुए हैं और आज जो बोलते हैं कि आरक्षण हमको नहीं चाहिए। 60 वर्ष तो मलाई खाते आ रहे हैं जीतन राम मांझी और आज आरएसएस और बीजेपी के आज इशारों पर जीतन राम मांझी आज वर्गीकरण का समर्थन कर रहे हैं। आज उन्हीं का हम लोग पटना के कारगिल चौक पर आज उनका हम लोग पुतला दहन करने जा रहे हैं और जीतन राम मांझी से हम लोग मांग करते हैं कि जीतन राम मांझी, अगर सही में आप दलितों का हितैषी हैं तो आप कैबिनेट के पोस्ट से आपका इस्तीफा दे और गया सीट से आप छोड़िए और जनरल सीट से अपनी ताकत है तो आप जीत कर दिखाइए, तब हम लोग मानेंगे कि आप एससी एसटी के हितैषी हैं। दलितों का कैसा नेता है? आज 40 वर्ष से, आज 40 वर्ष से आज बिहार सरकार ने केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, उनका बेटा आज बिहार सरकार में मंत्री बना हुआ है, आज 60 वर्ष जब हो गया उनका उम्र, जब तो एक कब्र में जब गोड़ है तो कह रहे हैं कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हमको आरक्षण का लाभ नहीं चाहिए, बचपन से लेकर आज तक आरक्षण का लाभ रहे। दूसरी बात, बिहार के जब सूबों के जब मुख्यमंत्री थे तो आज क्यों नहीं मांझी कॉलेज खुलवाने का काम किए? माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया, तो आप तो कम से कम मांझी खोल देते, अस्पताल खोल देते, शिक्षा का केंद्र खोल देते, कौन रोका हुआ था? लेकिन आज देखिए केंद्र में जो बैठकर और मलाई मार रहा है, ये मांझी जी अपने से नहीं बोल रहे हैं, ये आरएसएस के इशारे पर बोल रहे हैं, आरएसएस का बोली बोल रहे हैं। आज उनको सबसे ज्यादा सारे पार्टी जो है वर्गीकरण का विरोध किया और 21 तारीख को पूरे भारत बंद रहा, लेकिन इन्होंने समर्थन नहीं दिया और सारी पार्टियां विपक्ष के पार्टियां समर्थन दिया, लेकिन इसलिए आज इनका चेहरा उजागर हो गया है। आज ये एससी एसटी का आज हितैषी नहीं है, वो नेता नहीं है, वो आरएसएस का एजेंट बनकर आ गए हैं। अजय पासवान, नेशनल स्टूडेंट यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत ही गलत है जीतन राम मांझी जी का जो निरंतर आरएसएस के इशारे पर जो बयान आ रहा है कि दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, ये बयान सरासर गलत और निंदनीय है। ये जीतन राम मांझी जी आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव था कि आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए, दलितों में वर्गीकरण होना चाहिए, उसके खिलाफ हम लोगों ने 21 तारीख को आंदोलन किया था और डाक बंगला पर हमने लाठियां खाई थी। और जीतन राम मांझी जी कहते हैं ये सभी आंदोलनकारी स्वार्थी है। जीतन राम मांझी जी शर्म कीजिए, आपके परिवार में 4-4 विधायक, 1-1 मंत्री हैं, एक सांसद है, ये सभी रिजर्वेशन के बदौलत जो है आप लोग संसद से लेके विधानसभा में पहुंचे हैं और आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। अगर आपको उतना ही लग रहा है तो आप तुरंत तत्काल जो है लोकसभा से इस्तीफा दीजिए, आपके पुत्र मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे और आप जो है दूसरे दलितों को वहां बैठाए, सारे दलित एक है चाहे किसी भी जाति का हो, और आरक्षण जो है सामाजिक स्तर पर मिला है, आर्थिक आधार पर नहीं मिला है। अभी भी सभी जो दलित जातियां उसके साथ छुआछूत होता है और अभी भी हमारा जो प्रतिनिधित्व है, चाहे आप हायर एजुकेशन में हो, चाहे उच्च पदों में हो, चाहे ग्रुप ए में हो, अभी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इसलिए जीतन राम मांझी जी आप होश में आइए, नहीं तो हम लोग होश ठिकाना लगा देंगे। शशिकांत प्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता। तो आपने वीडियो में सुना, इन लोगों का साफ साफ कहना है कि जीतन राम मांझी इस्तीफा दें और उनके लड़के कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ।